জামিও কলাদ্রিনি ঘাট যোগারা তারা ওরি ছাবিলা তারা ওরি রঙ্গিলা তারা রঙ ভেরু জুয়ে তেরি বাট রঙ্গলো। হ্যাপি ফেস্টিভ সিজন ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ কি ভিডিও अगेन ये फेस्टिव सीज़न के लिए वीडियो है फ्रेंड्स। आप मेरी ड्रेसअप देख के समझ गए होंगे ये डांडिया एंड गरबा के लिए है। तो आप इस तरह से गरबा और डांडिया के लिए तैयार हो सकते हो। मैंने उस तरीके का ड्रेस भी पहना हुआ है, सारा मेकओवर मैंने वैसे ही किया है। तुम देखते रहिए और फेस्टिव सीज़न को और भी रंगीन बनाते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूँगी जब मेरी ये मेकअप कम्प्लीट होगी। तो चलिए, कम्प्लीट होने से पहले विदाउट लूजिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी लोटस का सीरम, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। तो मैं फेस सीरम लगा लूँगी अच्छे से। एंड अगर आपके पास ये सीरम नहीं है, कोई और है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसे अपने नेक पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि नेक हो या फेस इवन दिखना है फ्रेंड्स। सो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ बहुत अच्छे से, ताकि ये हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड उसके बाद मैं लूँगी लिप बाम। आपके पास जो लिप बाम है आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये है प्राइमर जो कि मैंने जेल बेस का लिया हुआ है, और ये है लोटस का प्राइमर, जिसे मैं जिस तरह से मैं सीरम लगा रही थी ठीक उसी तरह से हमें इसे लगा देना है। ये हमारे पोर्स को बंद करके हमारे स्किन में जो हम मेकअप करते हैं उसे अंदर जाने नहीं देते। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ये हमारे फेस का गार्ड है। एंड नेक्स्ट मैं लगाने वाली हूँ लोटस मेकअप, यानी कि एक्सप्रेस ग्लो 10-in-1 डेली क्रीम SPF 25 के साथ आता है फ्रेंड्स, और ये है हर तरह के स्किन के लिए सूटेबल। इसमें 10 बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसके लिए रिव्यू मैं बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, यानी ब्लेंड कर लेंगे अपने फेस पर, पहले हाथों से और उसके बाद फिर ब्यूटी ब्लेंडर से। अपने नेक पर भी अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इवनली हमारे चेहरे में ये फाउंडेशन क्रीम लग जाए। तो अब ये लगभग मेरी पूरी हो चुकी है अच्छे से ब्लेंड करना। नेक्स्ट मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, जो कि मैंने यहाँ लिक्विड कंसीलर लिया है लोटस का, और मैं इसे अपने अपर आई, डाउन आईज एरिया, यानी कि पूरी डार्क सर्कल पे मैं यहाँ लगाऊँगी। एंड जो भी कंसीलिंग एरिया है उसे आप इसे हाइड कर सकते हो फ्रेंड्स। सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम कंसीलिंग लगाएं अपने आईज़ को खूबसूरत और भी दिखाने के लिए। उसके बाद इसे मैं पहले अपनी उंगलियों की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ी ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर लूँगी। एंड नेक्स्ट यहाँ मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, ताकि मेरी कंसीलर और फाउंडेशन सेट हो जाए। अब ये मेरी कॉम्पैक्ट अच्छे से लग गई है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट मैं अपने फेवरेट आई शेडो पैलेट से डार्क ब्राउन लूँगी अपने आउटर आईज कॉर्नर को कलर करने के लिए, यानी कि इसे अपने आई शेडो को फिल करने के लिए। मैं इसे आई शेडो लगा रही हूँ एंड देन कॉर्नर में इसे लेना है। एंड नेक्स्ट मैं दूसरी आईज में भी सेम टू सेम अप्लाई कर रही हूँ, जैसा एज यूजुअल किया जाता है। एंड देन मैं लाइट ऑरेंज ले रही हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं डार्क ऑरेंज ले रही हूँ, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और खूबसूरत सी कलर आ जाए। और एक बार फिर से मैं यहाँ लूँगी डार्क ब्राउन आई शेडो, ताकि मैं अपने आउटर आईज कॉर्नर को और भी डार्क कर सकूँ, ताकि जो आई शेडो है बहुत ही खूबसूरत से खिल के आए। और मैं यहाँ ग्लिटरी शेड की मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ, ताकि अपनी आईलिड को मैं और थोड़ी सी हाईलाइट कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं यहाँ लैक्मे की आईलाइनर ले रही हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा लेती हूँ। सो मैंने यहाँ लैक्मे की आईलाइनर यूज़ किया हुआ, मैंने इस बार पेन आईलाइनर का यूज़ नहीं किया हुआ है इस वीडियो में। एंड अच्छे से इसे मैं लगा लूँगी। लगाने के बाद ये कंप्लीट हुई, और अब मैं अपने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। एंड आईब्रोज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आँखों की खूबसूरती आईब्रोज से ही होती है। एंड वैसे तो हर एक पोर्शन फेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये लूज़ गोल्डन पाउडर, जिसे मैं अपने अंडर आईब्रोज को हाईलाइट करूँगी फ्रेंड्स। ये गोल्डन पाउडर अगर आपने ले लिया मैक का, तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इससे आप कई सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो, जैसे कि आप इसे एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे ले लिया और मैं एज अ हाईलाइटर भी इसे यूज़ करती हूँ। सो आप देख ही रहे होंगे। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ कंटूरिंग करूँगी, जैसे मैंने लिया है अपने एरियस की कंटूरिंग पैलेट को, और मैं अपने
साइड नोज को कंट्रोल करूँगी एंड जो भी कंट्रोलिंग एरिया है फ्रेंड्स उसे हम इससे कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपनी मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो में बताती हूँ कि शेप देता है, बहुत ही नेचुरल लुक देता है ये कंट्रोलिंग। अब इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद मैं मस्कारा का यूज़ कर लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं अपने नोज़ को हाईलाइट करूँगी एंड अपने चिक बोन्स को भी हाईलाइट करूँगी, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हाईलाइट किया हुआ ये चिक बोन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। यानी कि ये सारी मेकअप जो है वो हमें नेचुरल लुक देता है। एंड देन मैं थोड़ी सी ब्लश लगा ले रही हूँ। ब्लश मैंने सेम आई शेडो पैलेट का ही यूज़ किया हुआ, अलग से कुछ भी नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। और ब्लश मैंने लाइट ब्राउन लिया हुआ है और यहाँ मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक मैंने रेड यूज़ किया हुआ है, रेड के लिए मैंने पहले क्रेयॉन यूज़ किया एंड नेक्स्ट मैं लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि लोटस की है। और मेरी लिपस्टिक कंप्लीट हो गई। सो फ्रेंड्स मैं अभी आती हूँ। आ गई फ्रेंड्स। सो ये डांडिया गरबा लुक कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी इयररिंग्स, मेरी नेकलेस, मेरी लिपस्टिक पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। यानी कि मेरे सब्सक्राइब की रेड बटन को विद बेल आइकन ग्रे कर दीजिए फ्रेंड्स, और मेरे सब्सक्राइबर की फैमिली को बड़ा करने में मेरी हेल्प कीजिए। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर माई फ्रेंड्स, बाय बाय।